हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बेयरिंग एंगल को एक सिस्टम में से दूसरी सिस्टम में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। यहाँ पर हमें जो एंगल दिया हुआ है वो वर्ल्ड सर्कल बेयरिंग में दिया हुआ है, तो उसे क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और जो क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम है उसको हम रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम पर भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें एक एंगल दिया हुआ है वॉल सर्कल बेयरिंग में, यहाँ पर देखते हैं ये 55 डिग्री और 15 इंच, तो वो कहाँ पर है, तो वो है 0 से 90 के बीच में है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 0 से 90 के बीच में 55 आएगा, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ। और जो रूल, उसका रूल क्या है जो वॉल सर्कल बेयरिंग में से क्वाड्रेंटल बेयरिंग में कन्वर्ट करने का, तो RB इज इक्वल टू WC, तो जो वैल्यू सेम रहेगी, यहाँ पर हमारे क्वाड्रेंटल बेयरिंग के लिए जो वैल्यू है वो सेम रहेगी 55 डिग्री 15 इंच, लेकिन जो क्वाड्रेंटल है वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, N नॉर्थ और ईस्ट, तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेंटल बेयरिंग क्या मिलेगी, 55.50 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल कन्वर्ट करके देखेंगे, तो ये 143 डिग्री 45 इंच है, जो कि 90 से 180 के बीच में आता है 143, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, दूसरा। तो उसके लिए जो रूल फॉर कन्वर्जन क्या लगेगा, ये कि RB इज इक्वल टू 180 माइनस RB और QB इज इक्वल टू 180 माइनस WCB, कि 180 में से ये वॉल सर्कल बेयरिंग है वो हमें बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम 180 माइनस वॉल सर्कल बेयरिंग क्या है हमारी, 143 डिग्री 45 इंच, तो वो हम बात करेंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू 36 डिग्री 15 इंच, और उसके लिए जो क्वाड्रेंट की डायरेक्शन क्या होगी, SE साउथ ईस्ट, तो यहाँ पर S लिखेंगे और एंड में यहाँ पर E, तो इस तरह हमें क्वाड्रेंट बेयरिंग उसकी उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमें यहाँ पर तीसरा वॉल सर्कल बेयरिंग का एंगल दिया है 195, जो कि 180 से 270 के बीच में आएगा, तो उसका क्वाड्रेंट हम यहाँ पर भी देख सके, वो तीसरा क्वाड्रेंट है और यहाँ पर भी थर्ड। तो उसके लिए जो रूल फॉर कन्वर्जन क्या लगेगा, क्वाड्रेंटल बेयरिंग इज इक्वल टू WCB माइनस 180, इससे उल्टा आएगा। यहाँ पर 180 में से WCB बात किया था, यहाँ पर WCB में से 180 बात करना है हमें, तो यहाँ पर हम WCB कितना दिया हुआ है, 195 डिग्री 0 इंच, और 180 हम उसमें से बात करेंगे, तो जो एंगल मिलेगा हमें 15 डिग्री 0 इंच, और यहाँ से हमें क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट आएगा वो, तो वो साउथ वेस्ट, तो यहाँ पर S लिखना है और 15 डिग्री 0 इंच के बाद हमें यहाँ पर W लिखना है। इस तरह हमें जो 195 डिग्री वर्ल्ड सर्कल बेयरिंग है उसका जो क्वाड्रेंट बेयरिंग और रिड्यूस बेयरिंग हमें 15 डिग्री 0 एस साउथ वेस्ट मिलेगा। इसी तरह हम फोर्थ नंबर, यहाँ पर हमें एंगल दिया है 305 डिग्री 45 इंच, 305 डिग्री 45 45 डिग्री 45 इंच, जो 270 से यहाँ पर आएगा 360 वापस, तो यहाँ इसके बीच में है, तो हमारा क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, और उसके लिए रूल फॉर कर्वेचर क्या होगा, QB इज इक्वल टू 360 में से ये बात करना है। जो हम सेकंड क्वाड्रेंट में किया था इसी तरह, वहाँ में हमने 180 से बात किया था, यहाँ पर हमें 360 से बात करना है, तो जैसे हमने 360 डिग्री में से ये 305 305 डिग्री 45 45 इंच वो बात करना है, तो हमें एंगल मिलेगा 54 डिग्री 15 इंच, और जो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पर N लिखना है और यहाँ पर W,
तो इसी तरह आप कोई भी वॉल सर्कल बेयरिंग में दिया हुआ एंगल को क्वाड्रेटल बेयरिंग और रिड्यूस बेयरिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।